स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ी समाजवादी पार्टी। आज प्राथमिक सतह से इस्तीफा का पत्र मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी भेज दिया। अखिलेश पर जमकर बरसे स्वामी प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी कार्यालय में भगवान शालीराम की पूजा करवा तो कैसा इनका धर्मनिरपेक्ष है उसको पूरा देश देख रहा है। अखिलेश यादव वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य। उनका ये धर्मनिरपेक्ष चेहरा जनता देख रही है, अब हमें कुछ नहीं दिखाना। जिसको जनता देख रही है उसको आईने दिखाने की जरूरत नहीं। अखिलेश यादव पर पीडीए की अनदेखी का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज एमएलसी पद से भी त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने विधान परिषद के सभापति को अपना इस्तीफा सौंपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जब किसी प्रकार की अग्रिम कोई विचार विमर्श नहीं की गई, वार्ता भी नहीं की गई, तो मैंने प्राथमिक सतह से भी इस्तीफा देने का निर्णय लिया। आज प्राथमिक सतह से इस्तीफा का पत्र मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी भेज दिया। और चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र से मैं विधान परिषद में सदस्य निर्वाचित हुआ था, इसलिए नैतिकता के आधार पर विधान परिषद के माननीय सभापति जी को विधान परिषद की संस्था से भी इस्तीफा का पत्र मैंने भेज दिया है। उनसे अनुरोध किया है कि इसे स्वीकार करने की कृपा करें। अखिलेश यादव पर पीडीए की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश ने अपने पीडीए की हवा खुद ही निकाल दी है और वो अंधेरे में है। उनका सेक्युलरिज्म सबके सामने आ गया। जिस पीडीए का उन्होंने नारा दिया उसकी हवा खुद निकाल दी। जो खुद अंधेरे में है वो दूसरों को उजाले में कैसे ले जा सकता है। जो खुद किंग कर्तव्य विमूढ़ है, ना इधर है ना उधर है, वह दूसरों को रास्ता कैसे दिखा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के मंदिर मंदिर जाने और पूजा पाठ करने को लेकर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश इस कदर पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं कि उन्हें देखकर बीजेपी वाले भी शर्मा जाएं। समाजवादी पार्टी के लोग आज समाजवाद के रास्ते से भटक गए। मैंने नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव को भी देखा है। शुरुआती दौर में मैंने राजनीति भी उन्हीं के नेतृत्व में शुरू की थी, लेकिन कभी भी उन्होंने संविधान की भावना के विपरीत काम नहीं किया। कार्यालय में तो दूर, वो कभी घर में पूजा घंटों करते थे, लेकिन कभी भी किसी मंदिर में नहीं गए। लेकिन आज तो समाजवादी पार्टी के लोग पार्टी कार्यालय में भी पूजा की शुरुआत किए। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी भी कभी कभी देवी देवता भगवान की पूजा पार्टी कार्यालय में नहीं की। ये ऐसे धर्मनिरपेक्ष हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यालय में भगवान शालीराम की पूजा करवा दी तो कैसा इनका धर्मनिरपेक्ष है उसको पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है। हम तो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी इनके पूजा पाठ के आगे शर्मा गई होगी कि हमसे कहां चूक हो गई, बाजी मार ले गए श्री अखिलेश यादव जी। तो स्वाभाविक रूप से उनका ये धर्मनिरपेक्ष चेहरा जनता देख रही है, अब हमें कुछ नहीं दिखाना। जिसको जनता देख रही है उसको आईने दिखाने की जरूरत नहीं। महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया है। वो 22 फरवरी को दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम करेंगे। मैं इन अपने तमाम महापुरुषों की विचारधारा को, इनके मिशन को अपनी थाती मानता हूं और इसी विचारधारा को जीवंत बनाए रखने के लिए मैंने सभी प्रकार के पद का त्याग किया है, विधान परिषद का भी त्याग किया है। अब आने वाली 22 फरवरी 2024 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यकर्ताओं के साथ समागम होगा, जहां पर आगे की दिशा तय होगी, नई पार्टी का ऐलान होगा और कोशिश होगी किस विचारधारा पर चलते हुए इस देश के गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों
के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के साथ साथ सत्ता शासन में हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने में मैं कामयाब हूं ऐसी चाहत के साथ मैं कदम आगे बढ़ा रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि राम गोपाल यादव जैसे नेता जब तक सपा में रहेंगे तब तक वहां अंधेरा छाया रहेगा। तो जब समाजवादी पार्टी की खटिया खड़ी मिश्रा घोल करने के लिए घर में ही मुखिया विराजमान है तो और क्या आवश्यकता क्या है। इसलिए जब तक प्रोफेसर राम गोपाल जी स्वनाम धन स्वयंभू पार्टी के बड़े नेता रहेंगे तब तक समाजवादी पार्टी पर इसी प्रकार से अंधेरा छाया रहेगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ आए स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने सपा के कोटे से विधान परिषद में भेजा था, लेकिन अब उन्होंने उससे भी इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जब किसी प्रकार की अग्रिम कोई विचार विमर्श नहीं की गई, वार्ता भी नहीं की गई, तो मैंने प्राथमिक सूत्र से भी इस्तीफा देने का निर्णय लिया। आज प्राथमिक सूत्र से इस्तीफा का पत्र मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी भेज दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से नाराज चल रहे थे। उन्होंने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनकी पार्टी असहज स्थिति का सामना कर रही थी। सपा के भीतर कई नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक्शन लेने के लिए अखिलेश पर दबाव डाल रहे थे। पार्टी के बड़े नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को निजी बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की और यही बात मौर्य को रास नहीं आई। उन्होंने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी और कहा कि महासचिव के पद पर बैठे अन्य नेताओं के बयान पार्टी के बयान होते हैं, जबकि उनके बयान निजी बयान कैसे हो सकते हैं। उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके इन्हीं बयानों की वजह से दलित और आदिवासी समुदाय के लोग सपा से कनेक्ट हुए हैं। मैं अपना सम्मान विचारधारा के साथ मानता हूँ। पद गौड़ है, पद और आता जाता है, विचारधारा शाश्वत होती है, टिकाऊ होती है, वैचारिक राजनीति का ही महत्व होता है। इसलिए मैं इन अपने तमाम महापुरुषों की विचारधारा को, इनके मिशन को अपनी थाती मानता हूं और इसी विचारधारा को जीवंत बनाए रखने के लिए मैंने सभी प्रकार के पद का त्याग किया है, विधान परिषद का भी त्याग किया है। अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का नारा दिया था, लेकिन चुनाव से पहले ही उनके अपने सहयोगी ही उन्हें एंटी पीडीए कहकर उनका साथ छोड़ रहे हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसी मजबूत आवाज का जाना अखिलेश के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YesB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।